जरूर हैं, लेकिन जब खामोशी तोड़ेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे। गुरु ने चुप्पी भले ही साध रखी है, लेकिन जब ये चुप्पी टूटेगी तो भूचाल आएगा। इस खामोशी के बाद आने वाले तूफान को देश की जनता महसूस कर पा रही है। देश की जनता पहले से ही सिद्धू की खामोशी को आगे आने वाले किसी भयंकर तूफान का संकेत मानकर चल रही थी। और आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने अंदेशा दे दिया है कि अभी तो फील्ड में उतरे हैं, अभी लंबी पारी खेलनी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मीखा। ये बात तो आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 नवजोत सिंह सिद्धू के लिए जरा भी अच्छा नहीं रहा। पहली बात, सिद्धू ने जहां जहां प्रचार किए, जहां जहां रैलियां की, वहां कांग्रेस पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन्हीं आंकड़ों को निकालकर हार का बिल सिद्धू के नाम पर फाड़ दिया। अब आगे क्या किया जाए, आगे कैसे राजनीति के अखाड़े में बढ़ा जाए, जब मुख्यमंत्री साहब ही सिद्धू के खिलाफ हैं, तो भला किस तरह से सिद्धू अब काम कर सकते थे। सिद्धू ने लंबे समय तक इंतजार किया और इस इंतजार के बाद अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमान को सौंप दिया, जिसे बाद में मंजूरी दे दी गई। और अब सिद्धू की हैसियत एक नेता के तौर पर है कांग्रेस पार्टी में, बस। लेकिन एक नेता भी काफी कुछ कर सकता है, तो नवजोत सिंह सिद्धू एक नेता के तौर पर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पर सबसे बड़ा वार करने के लिए तैयार दिखाई पड़े हैं। करीब 19 से 20 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलने के बाद सिद्धू ने जो किया उसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कैप्टन के खिलाफ सिद्धू के वार का ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अपने जिस बड़बोलेपन की वजह से मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के एक जवाब के 10 एंगल निकालकर बताने की भूल को सुधारने की शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दी है। और इसी शुरुआत को करते हुए जब सिद्धू कल पहुंचे, मीडिया ने उनसे सवाल किए, सिद्धू ने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कैप्टन पर बड़ा वार नवजोत सिंह सिद्धू कर गए, देश की जनता के बीच जाकर, अपने इलाके की जनता के बीच जाकर जनता से कहा है मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। क्या है पूरी जानकारी, कहां पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, और सिद्धू के फॉर्म में आ जाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस तरह से परेशानी हो सकती है, देखिए जरा। पंजाब सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सिद्धू को लेकर लगातार यही सवाल उठ रहा है कि अब आखिर वो कौन सा बड़ा बवाल मचाने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने न सिर्फ सख्त कदम उठाया बल्कि सिद्धू से हर तरह का पद भी छीन लिया। अब यहाँ पर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू अब करने क्या वाले हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अब क्या कुछ करने की फिराक में हैं। तो इन सबके बीच में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर जब बीते कल नवजोत सिंह सिद्धू करीब 19 दिन बाद अपने घर से बाहर निकले तो उन्होंने क्या कुछ किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर कई तरह के इल्जाम लगाकर उन्हें पंजाब मंत्रिमंडल से बाहर तो कर दिया, लेकिन पंजाब के वार पर पलटवार करते हुए सिद्धू ने कौन से कदम उठाए हैं, चलिए आपको बताते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा हलके से मोहन नगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने यहाँ पहुंचकर गाड़ी में ही बैठकर जनता की परेशानियां सुनी। मोहन नगर में गंदे नाले की सफाई का काम शुरू करवाने के लिए सिद्धू पहुंचे, पर नगर निगम की मशीनरी 15 मिनट बाद पहुंची। मशीनरी के लेट होने से यहां पर सुरक्षा घेरे में नवजोत सिंह सिद्धू गाड़ी में ही बैठे रहे। गाड़ी की खिड़की के पास पहुंचे लोगों ने उन्हें चुनावी वायदे याद करवाए। सिद्धू को यहाँ लोगों ने बताया कि आपने जब वोट मांगे तो आपने किस तरह के वायदे हमसे किए, जिसके बाद सिद्धू ने कहा माफी चाहता हूँ, आने में थोड़ी देरी हो गई है, 3 महीने में आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मशीनरी के आते ही सिद्धू ने फोटो खिंचवाई और अपने समर्थकों के साथ वहां से चले गए। गौरों की वेर का नानकसर गुरुद्वारा साहिब में स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन करने के बाद सिद्धू जैसे ही मोहन नगर पहुंचे, क्षेत्र वासियों ने उन्हें बताया कि गंदे नाले की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। नाले की सफाई ना होने पर बरसातों के दिनों में गंदा पानी लोगों के घरों में आ जाता है। हाई टेंशन तारे लोगों के घरों की छत से होकर
गुजरती हैं, जिससे हर समय दुर्घटना होने का डर जनता के जहन में बना रहता है। ये तमाम तरह की परेशानियां सुनने के बाद सिद्धू ने जनता को विश्वास दिलाया, गंदे नाले की सफाई के लिए मशीनरी लगा दी गई है, सारी समस्याओं का समाधान 3 महीने के अंदर हो जाएगा। बता दें आपको, सिद्धू ने निगम के SE अनुराग महाजन को जनता की मुश्किलों के समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, बरसात के दिनों में लगातार मशीनरी गंदे नाले की सफाई में लगाएं, ताकि बरसात में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की अन्य समस्याओं की रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें आपको, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अचानक से फॉर्म में आ चुके हैं। जनता ने सिद्धू को बताया कि हमें कितनी ज्यादा असुविधा हुई है, और जनता की बात सुनकर नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 महीने का वायदा किया है। पहले चुनावी वायदे किए थे और अब 3 महीने का वायदा नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिया है। 3 महीने में वो तमाम तरह की परेशानियां अपने क्षेत्रवासियों की हल कर देंगे। वाकई नवजोत सिंह सिद्धू का ये बड़ा ऐलान इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो सिद्धू की काबिलियत पर लगातार सवाल उठाते हैं, जो सिद्धू पर लगातार प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर कहते हैं कि सिद्धू ने आखिर किया क्या है सरकार की छवि खराब करने के बजाय। और नवजोत सिंह सिद्धू यहां जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता के बीच पहुंचकर कहते हैं कि अब देखो मैं किस तरह से और क्या क्या काम करता हूं।